सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और उसमें हम डाल देंगे एक कप सूजी। ये बारीक वाला सूजी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप मैदा और लास्ट में डालेंगे आधा कप दही। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी खट्टी दही ली हुई है। अच्छे से डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इस जगह पर थोड़ा सा ऑरेंज या फिर येलो कलर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप बहुत थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कलर लेकर आएगी। इनको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका थिक बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। तो पानी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ऐसा ना हो कि आप एक साथ बहुत सारा पानी डाल दें और बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालने से बैटर के अंदर लम्स भी नहीं पड़ते हैं। तो बैटर बनकर तैयार है, अब ढक के रख देंगे इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए, और तब तक हम अपना अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और उसमें मैं डाल देती हूँ एक कप चीनी। अब हम इस जलेबियों के लिए चाशनी तैयार करेंगे और एक कप चीनी के लिए मैंने डाला है आधा कप पानी। तो जिस बोल से मैंने चीनी ली थी उसी बोल से मैंने पानी लिया हुआ है, और फ्लेम को करा है मीडियम पे और चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। अब मैंने इसमें डाला है लगभग आधा नींबू का रस, इससे जो साइड में चाशनी जमने लगती है वो नहीं होगी। और मैंने चाशनी में ही डाला है दोस्तों एक चौथाई चम्मच ऑरेंज फूड कलर, आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज़ आप जैसे मैंने बताया हल्दी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दिया है एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आप इस जगह पर कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। थोड़े से डाल देंगे केसर के धागे, इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। चम्मच से चलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हमें पकाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक तार की चाशनी बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस दूसरी चीज़ की चाशनी जैसे ही एक तार की बनने लगे उसी समय आपको फ्लेम को करना है ऑफ, वरना चाशनी रखे रखे गाढ़ी हो जाएगी और वो जलेबियों के अंदर नहीं सोक हो पाएगी। तो देखिए लगभग 8 से 10 मिनट तक पकने के बाद चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे तार बनाना शुरू करेंगे, गर्म में नहीं बनाएंगे वरना हाथ में लगने के चांसेस भी होते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट में निकाली थी चाशनी और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें एक तार बन गया है, और मैं इसी स्टेज पर कर दिया फ्लेम को ऑफ। चाशनी दोस्तों बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रहनी चाहिए, वरना जब आप इसमें जलेबियाँ डालोगे तो जलेबी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से करिए। तो यहाँ पर चाशनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। 20 मिनट के बाद अब हम देखते हैं बैटर के क्या हालचाल हैं। तो सूजी ने बहुत सारा पानी पी लिया है और बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, ये देखिए। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी डालेंगे, बट चम्मच के हिसाब से। तो पहले एक चम्मच डालेंगे फिर दूसरा चम्मच डालेंगे, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया हमें बैटर को थिक रखना है, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। तो अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जब आप इसे गिराएं तो एकदम से फ्लो में नहीं गिरना चाहिए ये। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, बहुत थोड़ा सा पानी डाला है उसके ऊपर ताकि ये अच्छे से पूरे बैटर में मिल जाए। तो जैसे ही बेकिंग पाउडर डाला आप देख सकते हैं बैटर में रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। एक ही डायरेक्शन में लगभग 30 सेकेंड के लिए इसे मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, और तुरंत ही इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे कोन में या जिस भी चीज़ के थ्रू जलेबी बनाना चाह रहे हैं उसमें। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक सॉस का बॉटल इस तरीके का, इसके ऊपर निब बहुत पतली होती है। आप चाहें तो आप जो दूध की थैली होती है उसे ले सकते हैं, या फिर पाइपिंग बैग्स होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। तो मैं सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो लीजिए जी, बॉटल तैयार हो गई है जलेबियाँ बनाने के लिए। अब चलते हैं गैस पे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था घी गर्म करने के लिए, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। एक छोटा सा पोर्शन मैं इसमें डाल के देखती हूँ, और देखिए तुरंत ही ऊपर आ गया, यानी कि तेल एकदम बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है जलेबियाँ बनाने के लिए।
गर्म तेल हमें चाहिए, बिल्कुल भी ठंडे तेल में जलेबियाँ मत डालिएगा। तो देखिए जलेबी मैं डालती जा रही हूँ, बीच में थोड़ा सा हाथ आ रहा है मेरा कैमरे के सामने। स्टार्टिंग में जब आप जलेबी डालेंगे, अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम बना रहे हैं, तो उनकी शेप थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। परफेक्ट शेप के लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी चीज़ से जलेबी का बैटर गिरा रहे हैं उसको आपको दबा के रखना है और आपको सर्कुलर मोशन में अपना हाथ मूव करना है। अगर आपने दबाना उसे एक सेकंड के लिए भी छोड़ा तो जो जलेबी है वो उसी स्टेज पर टूट जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेज भी बिल्कुल परफेक्टली आपकी आ जाएगी। तो देखिए तेल अच्छा गर्म था तो जलेबियाँ सारी ऊपर ही आ चुकी हैं तैर के। इसके बाद हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और इन्हें थोड़ा सा पकने देंगे। तो देखिए मैंने एक जलेबी आपको पलट के दिखाई, कितनी अच्छी गोल्डन हो चुकी है। जलेबियों को कितना गोल्डन करना है ये टोटली आपके ऊपर है। फोक की हेल्प से मैं कर रही हूँ क्योंकि फोक की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ये टर्न हो जाती हैं। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और इन्हें पकने देंगे। तो लगभग एक से दो मिनट तक पकने के बाद मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ डायरेक्ट चाशनी में। और जब आप इन्हें चाशनी में डालें तो चाशनी उस समय हल्की गर्म होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडी। तो यहाँ से मैं निकाल के इनको पहुँचा देती हूँ चाशनी में और हार्डली आधा मिनट हम रखेंगे, या मैक्सिमम एक मिनट आप रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। एक दूसरा बैच और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट एकदम जलेबियाँ निकल के आ रही हैं। आप पहले राउंड उन्हें करते जाइए, जितनी भी आपको बड़ी जलेबी चाहिए, और उसके बाद एक बीच में से लाइन निकाल दीजिए जिससे कि जलेबी आराम से टूट जाएगी। अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम जलेबी बना रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जलेबी का साइज़ आप छोटा ही रखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा। तो देखिए बढ़िया तरीके से जलेबियाँ डांस करने लगी हैं तेल के अंदर और उतने ही मज़े से ये सिक रही हैं। तो यहाँ दूसरा बैच भी मेरा रेडी हो गया है जलेबियों का बनके, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो पहले वाली जलेबियाँ मैंने डाली थी वो हो चुकी हैं, तो अब उन्हें सर्व करके मैं आपके सामने लेकर आती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए दोस्तों, रस भरी और करारी जलेबियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं, गर्म गर्म। दोस्तों अगर जलेबियाँ दूध या फिर दही के साथ मिल जाए ना तो आपका दिन बन जाता है। तो मैं एक जलेबी आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए अच्छे से कुरकुरी हो चुकी हैं ये। तो बस चलते हैं इन्हें खाने के लिए। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।